सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल क्रिएटर अजय। तो गाइज़, आज हम फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है फेस स्मूथनिंग के ऊपर। तो गाइज़, ये मेरी Instagram ID है, आप देख सकते हैं कि मैं कैसी फ़ोटोज़ अपलोड करता हूँ। और अभी तक आपने मेरे को Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी आपको प्रोफाइल मेरी शो हो ही रही है तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि Adobe Photoshop के अंदर हम कैसे अपनी स्किन को स्मूथ कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल तरीका होता है स्मूथ करने का, और विद टेक्स्चर जो है हम टेक्स्चर के साथ में फेस स्मूथनिंग करेंगे। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने PC की स्क्रीन के अंदर, तो Adobe Photoshop ओपन कर लेते हैं। जो आज की इमेज है वो मैं अपने फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, ये हमारी जो फ़ोटोज़ है वो ओपन हो रही है। तो गाइस, स्क्रीन में थोड़ी सी मतलब डिले सी आ रही है, जो रेंडरिंग थोड़ी स्लो हो रही है। तो गाइस, मेरे PC के अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है जिसके कारण स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे फ्री वाला कुछ मिल नहीं रहा था। तो फिर ये जो वाटर मार्क है ये थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस। तो ये जो है हम पिंपल्स वगैरह रिमूव कर लेते हैं फटाफट, बाकी आपको पता ही होगा हीलिंग टूल से हम पिंपल्स वगैरह रिमूव कर लेते हैं। तो गाइस, मैं इसको फटाफट से रिमूव कर लेता हूँ। देख रहे हैं, मैंने पिंपल्स वगैरह सारे रिमूव कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि पहले कैसा था और कैसा है। तो इसके बाद आ जाते हैं गाइस हमारी आगे की वीडियो। तो हम क्या करेंगे, लेयर्स बना लेंगे तीन, ठीक है गाइस। तीन लेयर्स बनाने के बाद जो सेकंड लेयर है उस पर हम जाएंगे गॉशियन ब्लर में, एंड गॉशियन ब्लर मारेंगे उस पर थोड़ा सा। तो मैं आ जाता हूँ ब्लर के अंदर। तो ब्लर में हम गॉशियन ब्लर सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो अमाउंट है गाइस वो तकरीबन हम रखेंगे तो 4 से या 6 के बीच बीच में रखेंगे, कि हमारा जो फेस थोड़ा सा है वो थोड़ा सा ब्लर दिखे, ताकि जो मतलब जो हमारे दाग से हैं, गड्ढे से हैं, वो थोड़े मिक्स हो जाएं। तो इतना हम ब्लर कर लेते हैं गाइस, बाकी आप अपनी फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग कर लेना। तो जो इसके ऊपर वाली लेयर है ना गाइस, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसको हमने ऑफ कर रखा है, इसको ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे गाइस, इसमें अब टेक्सचर ऐड करेंगे। तो टेक्सचर लेंगे इस फोटो से, अप्लाई इमेज में जाएंगे और मर्ज को हम कर देंगे, जो हमारी ब्लर वाली इमेज थी उसका लेयर ले लेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो हमारा जो स्केल का और ऑफसेट है, वो स्केल जो रहेगा वो 2 रहेगा, जो ऑफसेट है वो 128 पे रहेगा। तो गाइस सेम आपने यही रखना है। उसके बाद जाएंगे हम ब्लेंडिंग मोड के अंदर। ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद गाइस हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लीनियर लाइट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे लीनियर लाइट सेलेक्ट करने के बाद हम इस लेयर को ऑफ कर देंगे और नीचे वाली लेयर में आएंगे, मिक्सर ब्रश लेंगे। तो मिक्सर ब्रश का जो साइज़ है गाइस वो 15 15, फिर उसके बाद जो है 75 75, ठीक है गाइस। तो ये साइज़ रख के आप इस पे जो फेस स्मूथनिंग है ब्रश वगैरह वो चला सकते हैं। तो बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें कि आपको कैसा कंफर्टेबल रहता है। तो गाइस, अगर आप मेरी सेटिंग रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं। तो मैं फटाफट फेस स्मूथ कर लेता हूँ।
देख सकते हैं हमने कितने अच्छे तरीके से अपनी फेस को स्मूथ कर लिया, अपनी स्किन को स्मूथ कर लिया है। तो देख सकते हैं गाइस पहले कैसी थी स्किन और अब कैसी है। तो मैं ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। अब गाइस हम अपना ऊपर वाला लेयर ऑन कर लेंगे जो हमारा टेक्सचर है। तो देख सकते हैं गाइस टेक्सचर हमारा बिल्कुल भी नहीं गया है, बिल्कुल ओके फोटोज़ बन चुकी है। आप देख सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से, जैसे प्रोफेशनल स्मूथनिंग होती है वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम है गाइस। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।